गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं के विज्ञान विषय का सिक्स चैप्टर जैव प्रक्रम। और जो आज का हमारा जैव प्रक्रम है वह है परिवहन तंत्र, जिसे हम प्रसंस्करण तंत्र, वाहिका तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे मानव प्रसंस्करण तंत्र पाठ्यक्रम के अनुसार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार परिचित हो जाते हैं जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम जिसको मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। जैव प्रक्रम वे विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं जो प्रत्येक जीव के शरीर में हर क्षण कोशिकीय स्तर पे और आणविक स्तर पे घटित होती रहती हैं और जिनके परिणाम स्वरूप उस जीव का जीवन अस्तित्व बना रहता है, कायम रहता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा या व्यवधान इनकी कार्य इनकी क्रियाओं में आता है तो जीव के जीवन अस्तित्व को संकट आ जाता है। इसी कारण से इन्हें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस या बायो प्रोसेस कहा जाता है। मुख्य चार बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। दो हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा है वह परिवहन तंत्र। क्या है परिवहन तंत्र? परिवहन तंत्र जीवों में विभिन्न अंगों का एक वह समुच्चय है जो कोशिकाओं में उपयोगी और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं कोशिकाओं से उनको परिवहन करके उत्सर्जन अंगों में ले जाकर के शरीर से उनके निष्कासन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। अर्थात मतलब इसका कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न पदार्थों को ले जाना। पदार्थों की उपयोगिता के अनुसार इसी स्थान से एक जीव के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को लेके जाना है। देखिए जिस प्रकार से मानव पाचन की उदाहरण को लेकर चलते हैं, पाचन के बाद बनने वाले जो सरल पाचन उत्पाद है वो मानव पाचन नाल में होते हैं या किसी भी जीव की पाचन नाल में होते हैं। पाचन नाल से इन सरल पोषक उत्पादों को रक्त अवशोषित करता है और प्रत्येक कोशिका में लेके जाता है। कोशिकाओं में पोषक उत्पादों का उपयोग होता है, जिस प्रकार से ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इस ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और इस श्वसन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो रक्त जो है श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक लेके आता है और कोशिकाओं में श्वसन से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस फेफड़ों में ले जाता है, जहां से निश्वास के द्वारा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल दिया जाता है। अतिरिक्त इसके जो अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कोशिकाओं में विभिन्न प्रक्रमों में उपापचयी क्रियाओं में बनते हैं, उनको भी रक्त अपने साथ लेकर के उत्सर्जन अंग किडनी जिसको हम गुर्दे बोलते हैं या वृक्क बोलते हैं में ले जाकर के उनके निष्कासन की व्यवस्था को आगे उत्सर्जन तंत्र पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अगर इन पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन ना हो तो जैव प्रक्रम है वो बाधित हो जाएंगे, जिससे जीव के जीवन अस्तित्व को संकट आ जाएगा। विस्तार से हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से जैव प्रक्रम परिवहन में ऐसा होता है। तो चलिए लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है मानव परिवहन तंत्र। मानव परिवहन तंत्र मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र का संयुक्त रूप है, जिसमें जो मुख्य परिवहन का कार्य है वह रक्त जो है रक्त परिसंचरण तंत्र में पूरा होता है और कुछ जो भाग है उस भाग लसिका तंत्र के द्वारा भी होता है, जिसको हम विस्तार में वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य घटक है वह है रक्त, मानव हृदय और रक्त नलिकाएं। इन सभी के विस्तार से चर्चा करने से पहले हम सभी इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम रक्त के बारे में बात करते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की हम बात करते हैं, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक क्या है? जो तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, इसलिए हम इसको तरल बोलते हैं। संयोजी वह होता है जो जोड़ने का कार्य करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है उस ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। क्योंकि जो रक्त है वह रक्त यहां शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को विभिन्न अंगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा गया है।
रक्त मुख्यतः मिश्रण है तीन प्रकार की कोशिकाओं का, प्लाज्मा का और प्रोटीन का। यानी रक्त में जो मुख्यतः जो घटक पाए जाते हैं वो लाल रक्त कोशिकाएं जिनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और तीसरे प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो पट्टिकाओं या बिंबाणु मिश्रित कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। इन तीन प्रकार की कोशिकाओं के अतिरिक्त रक्त में प्लाज्मा होता है और उसमें विद्यमान होते हैं कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन। इन सभी के मिश्रण को हम बोलते हैं रक्त। तो हम इन सभी घटकों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। जो ये रक्त तरल संयोजित है, रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है, जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर जितना उसका शरीर का भार है उस भार के 10% के बराबर लगभग उसके शरीर के, मान के चलिए कि स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का भार लगभग 70 किलो के आसपास है। अगर उसके शरीर का भार 70 किलोग्राम है तो उसमें रक्त की मात्रा 10% के समतुल्य लगभग 7 लीटर के आसपास होगी। जो उसकी जो खाद्य आदतें हैं और जो उसके स्वास्थ्य स्थिति है उसके ऊपर भी यह स्थिति भिन्न हो सकती है, किंतु सामान्य औसतन इस व्यक्ति के जो शरीर का वजन होता है उसके शरीर के वजन के 10वें हिस्से के समान रक्त की मात्रा होती है सामान्य व्यक्तियों में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रक्त के मुख्य घटक लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं को हमने बताया इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट में लिख देते हैं RBC। RBC जो होते हैं ये हमारे मानव रक्त के शरीर का जो मुख्य घटक है और मानव शरीर के जो मानव रक्त का जो 40% भाग है वो RBC के द्वारा ही बना हुआ है। यानी अगर रक्त ये मिश्रण है तीन प्रकार की कोशिकाओं प्लाज्मा और जल इसका प्रोटीन का, तो उस मिश्रण में जो 40% मात्रा है वह है किसकी है, आरबीसी की। आरबीसी को अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं इन लाल रक्त कणिकाओं का जो आकृति है, लाल रक्त कणिकाओं की आकृति उभय अवतल होती है। उभय अवतल से अभिप्राय ये है कि ये एक तरफ से तो ऊपरी होती है कॉन्वेक्स शेप में होती है और दूसरी तरफ से ये अवतल शेप में होती है। ये क्या होता है, कॉनकेव, अवतल, अवतल यानी जो भीतर की तरफ दशा होता है सामान्यतः। और आरबीसी के अंदर जो सामान्य कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है वह केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं होने के अतिरिक्त इसमें एक जो विशेष चीज होती है वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन एक लवक है, वर्णक है, जिसको हम श्वसन वर्णक भी बोलते हैं, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लाल रक्त कोशिकाओं में जो पाया जाने वाला होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का एक यौगिक है, ये यौगिक है, यौगिक यानी ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। इसमें एक होता है हिम भाग होता है, हिम जो अकार्बनिक पार्ट है, अकार्बनिक भाग है जो लोहे से बनाता है, लोहे के लोहा तत्व से बनाता है, और दूसरा होता है इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा कहता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन जो यौगिक है जो इन आरबीसी में पाया जाता है इसके अंदर जो हिम नाम का ये यौगिक है, यानी ये दो भागों से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबुलर प्रोटीन से, हिम अकार्बनिक भाग हो गया और प्रोटीन ये कार्बनिक भाग हो गया। तो इन दोनों से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में एक विशेष बात यह होती है कि जो हिम नाम का अकार्बनिक भाग है यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है, यानी इसके ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो फेफड़ों के अंदर हम श्वास भरते हैं, श्वास भरने के बाद जो वायु हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है उसमें जो ऑक्सीजन विद्यमान होती है वह ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। इसी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन कोशिकाओं में रक्त के द्वारा पहुंचती है। जब कोशिकाओं में ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट के अलग हो जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, ये वापस हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन है ये वह इसीलिए हम इसको श्वसन वर्णक कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो गैस है ऑक्सीजन मेन जो श्वसन के लिए चाहिए उसका परिवहन ये सुनिश्चित करता है।
इसके ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आबंध बनाने की क्षमता कम है, किंतु ये ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो बहुत कम बनाता है। अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बढ़ती है श्वसन के दौरान, वो लसिका तंत्र के द्वारा और पिगमेंट के द्वारा इस हीमोग्लोबिन, लेकिन तुलनात्मक रूप से जितने ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है उतने कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करता। अब हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की। लाल रक्त कोशिकाओं को अगर हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में सबसे छोटे आकृति की जो सबसे छोटे आकार की जो कोशिकाएं हैं वो लाल रक्त कोशिकाएं ही हैं। और इन इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य जीवों में बात करें, अब तक जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका पाई गई है वो हाथी की पाई गई है। हाथी एक सतन पाई है और सबसे जो छोटी लाल रक्त कोशिका पाई गई है वह कस्तूरी नामक हिरण के रक्त में पाई गई है। यानी अगर हम सभी स्तनपायी या अन्य जीवों की बात करें तो सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका का आकार जो है हाथी के रक्त की कोशिकाओं का होता है और सबसे छोटा होता है उसका कस्तूरी मृग का। और अतिरिक्त इसके अगर हम सिर्फ मानव के शरीर में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। ये आरबीसी जो होती है इसका निर्माण कहां होता है? अस्थियों के अंदर। अस्थियां जो होती है यानी हड्डियां जिसको हम बोलते हैं हड्डियां भीतर से, जिस प्रकार से ये देखिए मैं एक हड्डी की एक संरचना बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये एक हड्डी है हमारे सामान्य। इस हड्डी के भीतर कुछ खोखले भाग होते हैं, ये जो खोखले भाग होते हैं इन खोखले भागों में एक द्रव भरा रहता है, जो द्रव भी नहीं कह सकते इसको, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। ये एक तरह से ये फैक्ट्री है जहां पर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कहां होता है? अस्थियों में, अस्थियों के अंदर। इसके अतिरिक्त एक दूसरा होता है जिसको प्लीहा बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक अंग है प्लीहा जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ये जो रक्त है हमारे शरीर में इसकी निर्धारित मात्रा है, उसके अतिरिक्त कुछ रक्त लाल रक्त कोशिकाएं रक्त यानी जिसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से घटक है लाल रक्त कोशिकाएं 40% भाग आते हैं, इसलिए हम रक्त इसी को ही बोल देते हैं सामान्य सेंस में। तो जो रक्त होता है अतिरिक्त रक्त वो हमारे प्लीहा में संचित रहता है। मैं समझाता हूं कैसे, जिस प्रकार आपने बाइक में देखा है बाइक के ऑयल टैंक में जो एक मेन सप्लाई होती है और उसके अतिरिक्त एक अन्य अलग सप्लाई होती है जिसको रिजर्व, जब मेन सप्लाई समाप्त हो जाती है तो रिजर्व अपने आप शुरू हो जाता है। तो रिजर्व में कुछ इसके इसीलिए जो शरीर के अंदर एक ऐसी प्रकृति ने व्यवस्था की है कि आपात स्थिति अगर हो जाती है जिसमें कोशिकाओं में से रक्त शरीर में रक्त की जाए तो स्प्लीन से जो अतिरिक्त रक्त है वो जो रिजर्व स्थान पर है वह आ जाएगा, वो हमारी कोशिकाओं में हमारे रक्त परिसंचरण पर आ जाएगा जिससे खून की कमी से मतलब अच्छे से निपटा जा सकता है। ये आपात व्यवस्थाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त जो रक्त लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। यानी अगर ये उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के बाद सामान्य परिस्थितियां अगर ये बड़ी रहती हैं तो ये इनका जीवन काल 120 दिन तक का हो सकता है, अन्य कभी भी प्रकृति कारणों से ये मरती भी रहती हैं। और अगर ये मरती हैं तो ये कहां जाएंगी? यकृत के अंदर। कहां चली जाएंगी? ये यकृत। यकृत में जो ये कोशिकाएं हैं ये वहां भी विघटित होंगी और इनके जो उपयोगी पदार्थ हैं इनको दोबारा नई आरबीसी को बनाने के निर्माण के लिए यकृत काम भी देता है वापिस। जैसे एक बिल्डिंग है इमारत उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसके मलबे में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जो कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं उनके नष्ट होने से अगर कुछ उपयोगी पदार्थ है जो पुनः नई कोशिकाओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें यकृत वापिस काम दे देता है मज्जा अस्थि मज्जा में जहां पर इनका प्रयोग पुनः हो जाता है नई आरबीसी बनाने के लिए। तो ये था हमारा लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। हमने एक बात बताई कि लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, ये सामान्य सभी जीवों में होता है, लेकिन अपवाद के तौर पर तीन ऐसे जीव हैं, एक ऊंट है और दूसरा लामा। लामा एक ऊन देने वाला जीव है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और इसके बाद तीसरा आता है जिराफ। ये तीन जीव ऐसे हैं जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अभी रिसर्च चल रहा है कि क्यों पाया जाता है, इस अपवाद का कोई कारण अभी तक सामने आया नहीं है। इसके लिए ये परीक्षा उपयोगी जो जो नौकरी जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए इस तरह की बातें पूछी जाती है, इसलिए मैं परवाह में ये चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आगे इसकी हम बात करते हैं जीवन का 120 दिन का,
ये था हमारा आरबीसीज के बारे में, ऑल अबाउट आरबीसीज। अगला जो हमारा संघटक है रक्त का वो है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं जिसको बोलते हैं, कोशिका जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डब्लू से व्हाइट, से व्हाइट से डब्लू हुआ, बी से ब्लड से बी, और सी से सेल या आपसल। श्वेत रक्त कोशिकाओं को डब्लू बी सी भी बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम मतलब होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इनको अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये भी हमारे जो मानव अस्थि है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका जो जीवन काल है वो सामान्य 10 से 12 दिन का होता है, यानी जो इनका जीवन काल है, जीवन काल वो लगभग 10 से 12 दिन होता है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक विशेष चीज होती है, ये जब भी शरीर में कोई प्रतिजन देखती है, प्रतिजन यानी कोई भी ऐसी चीज जो शरीर में रोग पैदा कर सकती है या शरीर की सामान्य प्रणालियों को प्रभावित कर करके कुछ असामान्य व्यवस्था बना सकती है, उसको प्रतिजन बोलते हैं। जब भी WBC ये अपने शरीर में किसी भी प्रकार के प्रतिजन को देखती है तो ये प्रतिरक्षी बनाती है, प्रतिरक्षी। इन प्रतिरक्षी को इंग्लिश बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन यानी कोई भी फॉरेन एलिमेंट होता है, फॉरेन एलिमेंट यानी जो शरीर से बाहर का कोई भी ऐसा तत्व होगा जिसको शरीर ने पहचाना कि ये शरीर से बाहर की कोई चीज है जो शरीर की जो सामान्य जैव प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है, उसको शरीर की जो ये WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो इसको एक स्त्रु की बात लेती हैं और वो एक प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी इस प्रतिजन के साथ क्रिया करके इसको समाप्त करता है। तो ये क्या है, अनुरक्षण का कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, यानी ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए WBCs क्योंकि ये रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, प्रतिजन से हमारी रक्षा करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, इसीलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर का सिपाही कहा गया है। क्या कहा गया है, सिपाही। जिस प्रकार एक सिपाही या सैनिक है वो बाह्य आक्रमणों से, अस्त्रों से आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाएं सुरक्षा व्यवस्था करता है, इसी प्रकार से ये भी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये मानव शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, इसलिए सिपाही कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं, इनकी जो अगर हम बात करते हैं रक्त के अंदर निश्चित मात्रा होती है, 1 ml ब्लड के अंदर इनकी संख्या लगभग 5000 से 9000 होती है, यानी अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर में लगभग 4 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ ये इनका काम होता है। यानी अगर हम इसको समझे तो सरल आसन कह सकते हैं, 1 लीटर में इतनी कोशिकाएं होती हैं, 4 × 10⁻¹⁹ × 1.1 × 10⁻¹⁹ तो सामान्यतः अगर हम इसको सरल करके देखें तो प्रति 1 ml रक्त के अंदर जो WBC है उनकी संख्या 5000 से 9000 होती है। जब भी शरीर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण होता है, कोई प्रतिजन या कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उससे निपटने के लिए शरीर के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए शरीर के अंदर रक्त में WBC की संख्या जो है वह बढ़ जाती है संक्रमण के दौरान। तो जो सामान्य है वो 5000 से 9000 है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ये उस स्थिति होता है जब तक वो प्रतिजन का निदान ना कर दे, शरीर से उसका निष्कासन ना कर दे। इससे अब बात आती है एक दूसरी स्थिति की, इनका WBC का निर्माण भी करता है, अस्थि मज्जा में ही होता है, और अस्थि मज्जा के निर्माण के बाद इनका भी जो विघटन होने के बाद में जो इसका अपघटन होता है वो अपघटन होगा यकृत में ही। अगली बात इसके बारे में जो है ये है कि कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में इनकी जो संख्या है WBC की बहुत तेजी से गिरने लगती है, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया का मतलब होता है जिसको रक्त कैंसर बोलते हैं, और अगर इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उस परिस्थिति को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। रक्त के अंदर इनकी संख्या बढ़ना भी बहुत खतरनाक है और इनकी संख्या घटना भी करता है, इनको सामान्य रहना चाहिए, सामान्यतः ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की कोशिकाओं के बारे में, वो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हमारे पट्टिकाणु। ये अभी तीसरे प्रकार की जो रक्त कोशिका वो क्या है, पट्टिकाणु, पट्टिकाणु जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंबाणु भी बोल देते हैं,
बिंबाणु और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली एक एनीमिक ताकत के तीन ज्ञात सुनिश्चित नहीं है, जिस प्रकार हमने बताया था आरबीसी की जो आकृति वो कैसी है, वो उभयावतल है, और इसकी जो डब्ल्यूबीसी की है वो लगभग गोल आकृति होती है, और इनकी जो आकृति है वो परिवर्तनशील है, ठीक है, लचीली होती है बहुत। इनके अंदर इनकी जो संख्या है रक्त के अंदर वो 1 ml के अंदर कितने है? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हो सकती है सामान्य, ये इनकी एक नॉर्मल रेंज है। यानी अगर 1.5 लाख से 4.5 लाख 1.5 लाख to 4.5 लाख इसके बीच में है तो ये सामान्य है, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या बढ़ती है तो कभी कभी घटती है। इनकी संख्या का घटना अधिक खतरनाक है। देखिए एक रोग है डेंगू, डेंगू में क्या होता है कि जो इसकी प्लेटलेट्स इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर जाती है। इनके अंदर क्या होता है जो ये प्लेटलेट्स होते हैं पट्टीगणों, इनके अंदर कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन, और दूसरी होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और तीसरी होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये तीन प्रकार की प्रोटीन इन के अंदर पाई जाती है, और एक आत्मा होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन, थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन। जब क्या होता है इन पट्टिकाणों का कार्य क्या है, जैसे हमने बताया ना लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का प्रिवेंट, डब्ल्यूबीसी का क्या है शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करना। अब इसका कार्य क्या है, जब किसी कारण से शरीर में चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण जब रक्त वाहिनियां जख्मी होती हैं तो उनमें कट लग जाने से या उनके कट जाने से टूटने से रक्त का बहाव शुरू हो जाता है। रक्त का बहाव जब शुरू होता है तो शरीर के अंदर एक हार्मोन रक्त के अंदर स्रावित होता है थ्रोम्बोपिटिन। जब ये थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन रक्त में स्रावित होता है, जब हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है ये सेंस ब्रेन सेंस करता है कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड शरीर से निकल रहा है, तो वो थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन आ जाएगा उस जगह पे। जैसे थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन आएगा तो ये जो पट्टीकरण होती है ये पट्टीकरण टूट जाएगी, और पट्टीकरण के टूट जाने से क्या रिलीज होगा, कोलेजन प्रोटीन, फाइब्रोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये सारी प्रोटीन क्या करेंगी, मान लीजिए ये वो स्थान है जिसके ऊपर चोट लगी है, तो ये क्या करेंगी, ये जो सारी प्रोटीन है इसके ऊपर पहले जाल का निर्माण करेंगी, ये दागेदार संरचनाएं बन करके, और पहले क्या है कि जाल का निर्माण कर देंगी इस प्रकार से चोट वाले स्थान पे। ये सारी की सारी प्रोटीन मिलकर के ये जो इतनी महीन जाली बनती है इस जाल की, कि इनके अंदर जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल वो इनके अंदर अटक जाती है यहाँ पे, यानी ये अटकी यूज तरह से अगर हम कल्पना करें, जैसे मान लीजिए एक मैं दिखा रहा हूँ एक बात को जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ वाला, ठीक है, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये इन क्षेत्रों के अंदर जो जाला के अंदर बने रहते हैं इनके अंदर ये भर जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तो क्या हुआ, एक दीवार सी बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का यानी रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बन जाएगा, इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन, इसको रक्त स्कंदन बोलते हैं, रक्त स्कंदन। यानी रक्त स्कंदन क्या है, जब चोट लगती है और रुधिर वाहिकाओं से रुधिर का की क्षति हो रही होती है, उस समय जो पट्टिकाणु है वो प्रो थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन से प्रेरित होने के बाद अपने अपने भीतर ये टूटती हैं, टूटने के बाद कोलेजन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के जो प्रोटीन फाइबर है उनको रिलीज करती है। वो जब चोट वाले स्थान पे जाते हैं तो ऊपर चोट वाले स्थान पे इस तरह जाल बनाती हैं, और इस जाल के अंदर जो ये छोटे छोटे संरचनाएं बनती हैं, जो छोटे छोटे जाली के जो छिद्र बनते हैं इनके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं बचेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं बचाने के हिसाब से क्या होगा, जैसे मैं एक बार ध्यान समझाता हूँ उसको, देखिए ये थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या है जाल है, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये जो ये स्पेस है स्पेस में क्या बचेगी लाल रक्त कोशिका, ये लाल रक्त कोशिकाएं आ जाएंगी, ठीक है, यही होता है ना, हम कहते हैं चोट लगने के बाद एक ब्लैकिश और रेडिश टाइप का एक सख्त एक संरचना बनती है चोट के ऊपर जख्म के ऊपर, इसको बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, यानी और इस प्रक्रिया को हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं रक्त स्कंदन। और इस प्रक्रिया के लिए एक विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के, कौन सा आता है विटामिन के, यदि शरीर में विटामिन के का अभाव है तो जो ये फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है
ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, जिससे ये जाल अच्छे से नहीं बन पाता। तो जब शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो उस स्थिति में जो रक्त स्कंदन है यानी खून का थक्का बनना, वो उसकी जो दर है बहुत धीमी होती है, बंद तो नहीं होता कमी, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट कमी नहीं होती, कमी होती है और कमी के कारण उसकी जो दर है वो बहुत कम हो जाएगी, जितने आवश्यकता है उससे अधिक कम हो जाएगी। तो इस कारण से क्या है, रक्त का बहाव ज्यादा होगा विटामिन के वाले किसी कमी के विटामिन के की कमी वाले व्यक्ति में। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो तीन प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये हमारे शरीर के रक्त का मुख्य भाग है। बचा हुआ जो शेष दो भाग है वो प्लाज्मा है और प्रोटीन। प्लाज्मा एक तरह से एक पीले रंग का द्रव्य होता है, इसमें अधिकतर जो संरचना में इसमें अधिकतर क्या जल होता है, जल के अतिरिक्त इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन, कुछ आवश्यक खनिज जैसे पोटासियम सोडियम आदि इसके अंदर होते हैं, कैल्शियम जैसे रक्त स्कंदन के अंदर पोटासियम की आवश्यकता थी, पोटासियम आयनिक रूप में इस प्लाज्मा में विद्यमान रहता है। जो अनेक पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व है ये जो अकार्बनिक है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो शरीर के लिए आवश्यक है, कैल्शियम है, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर विद्यमान रहते हैं। और अतिरिक्त इसके जो कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के बनने में भी एक कंपोनेंट का काम करते हैं, वो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जो पढ़ा हुआ था रक्त के बारे में, तो रक्त एक क्या है, तरल संयोजित है, जो तीन प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और उसके अतिरिक्त प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन का मिश्रण है। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य के बारे में। अब रक्त क्या कार्य करता है, अगला हमारा टॉपिक है रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रक्त बहुत विशेष कार्य करता है, यानी अगर हम बहें तो जिस प्रकार से नदियों को बोलता है जीवनदायिनी, ये हमारे शरीर के अंदर जीवनदायिनी द्रव है, यानी इसके बगैर जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सबसे पहले जो हमारे को प्राणवायु थी ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, किसका करता है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, यानी फेफड़ों से जो फेफड़ों के अंदर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन के द्वारा हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिकाओं से कोशिकाओं तक ले जाता है, और कोशिकाओं में वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, वहां से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में भी ले आता है, जो कि अल्प मात्रा में होता है, शेष कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा में गुण करके आती है, वो हम बाद में इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो पहला कार्य क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो दूसरा कार्य क्या है, ये जो पोषक तत्व है श्वसन, हमारे को जैविक क्रमों को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा उत्पादन के लिए चाहिए होता है, जब श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है ATP के रूप में। तो ये ग्लूकोज जो पाचन आहार नाल से होता है, आहार नाल से जो पाचक तत्व होते हैं, पाचक तत्व पाचक उत्पाद जिसको बोलते हैं अपन, पाचक है उत्पाद, इनको क्या करते हैं कोशिकाओं तक लेके जाता है, पाचक उत्पादों को कोशिकाओं तक लेके जाने का कार्य किसका, रक्त का, यानी पाचन हुआ, पाचन के बाद जो अमीनो अम्ल बने प्रोटीन के द्वारा, ग्लूकोज बने कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, वो वसा के बाद वसा अम्ल या ग्लिसरॉल बना, इन सब को रक्त ले जाएगा कहां पे, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में इनका उपभोग होता है अनेक प्रकरणों में। तो दूसरा जो कार्य है वो क्या है, रक्त का कार्य है पाचक आहार के लिए पाचक उत्पादों का परिवहन करना। तीसरा जो क्या है, जब रक्त के अंदर अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उपापचय क्रिया में, जैसे एक जो सबसे महत्वपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ वह है क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है यूरिया, ये यूरिया जो कोशिकाओं के अंदर बनता है, यूरिया जो हम अगले उत्सर्जन भाग में पढ़ेंगे, एक उत्सर्जन उत्सर्जक अपशिष्ट है, ये जब कोशिकाओं में बनता है, कोशिकाओं में से इसको रक्त परिवहन करके गुर्दों तक ले जाता है, जहां से गुर्दों में से इसका निष्कासन कर दिया जाता है। तो तीसरा कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। चौथा चीज क्या है कि एक जितने भी जैव विकास की अगर हम बात करें, जीवों में जो शारीरिक संरचना है वो जीवों के अंदर अलग अलग स्तर पे होती है, किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर अधिक है। तो जो अधिक उच्च स्तरीय शारीरिक विकास वाले जीव है, जैसे स्तनपाई है, जैसे जिस स्तनपाइयों में हम आ जाते हैं, मनुष्य गाय भैंस भेड़ बकरी, यानी जिसके अंदर मादा में स्तन विकसित होते हैं, उनको हम स्तनपाई कहते हैं। तो जो स्तनपाई जीवों के अंदर कोशिकीय संरचनाएं बहुत जटिल होती हैं, तो उनके ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत अधिक आवश्यकता होती है,
तो उसके लिए परिवहन तंत्र विशेष जटिल हो जाता है। और उस परिवहन तंत्र में जो हम बात कर रहे हैं अरे अनेक प्रकार के जो जैविक प्रक्रम हैं वो कुछ रसायनों के द्वारा जिनको हम हार्मोन बोलते हैं या एंजाइम बोलते हैं वो जैसे पाचन पाचन एंजाइमों के द्वारा होता है, श्वसन के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं और अनेक जैविक प्रक्रमों को निर्धारित और नियंत्रित करने के लिए हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन और एंजाइम एक विशेष तापमान पर ही कार्य करते हैं, तो इसीलिए प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि जो अधिक विकसित जैसे जो रीढ़धारी जीव हैं, जो बहुत उच्च विकसित जीव कोशिकीय विकास जिनके ऊतकों में पाया जाता है उनमें तापमान को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? रक्त। यानी जो रक्त के आधार पर यानी जीवों को मुख्य दो भागों में बांटते मोटे तौर पे, गर्म खून वाले जीव और ठंडे खून वाले जीव, यानी हॉट ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हॉट ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक विकास होता है, जटिल विकास होता है और उनके शरीर का तापमान निर्धारित होता है फिक्स। जिस प्रकार से मनुष्य में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे हार्मोन और एंजाइम पूरे अच्छे से कार्य करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए। तो उस शरीर का तापमान निर्धारित करने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड। अतिरिक्त इसके जैसे आपने पाचन भाग में पढ़ा होगा, पाचन एंजाइमों को काम करने के लिए अलग अलग पीएच यानी पोटेंशियली हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसका मान 0 से 14 तक होता है, अलग अलग पीएच पर कार्य करने के लिए अलग अलग एंजाइमों के अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर कार्य करते हैं। जो एंजाइम जहां जिस भी पीएच पर कार्य करेगा उस पीएच को वहां पर बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड। तो इस प्रकार से हमने देखा ब्लड की बहुत जटिल कार्य है और ये ही हमारे जीवन का सूत्रधार है यानी जीवन इसी की वजह से है, इसीलिए कहते हैं रक्तदान जीवन दान। चलिए अब हमारा ये रक्त के बारे में हुआ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो रक्त समूह के बारे में, अगला हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? रक्त समूह। रक्त समूह अगर हम बात करते हैं रक्त समूह की तो जितने भी प्रकार के जीव हैं उन जीवों में 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। लगभग कितने प्रकार के? 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं और उन रक्त समूह में जो मानव में पाया जाने वाला मनुष्य में पाया जाने वाला रक्त समूह है वह है क्या है? ए बी ओ रक्त समूह। रक्त समूह है ए बी ओ रक्त समूह जो है वो मनुष्य में पाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि रक्त दिखने में लाल है तो गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली इनका जो जीवों का जो रक्त है वो मनुष्य में चला जाए, नहीं, मनुष्य का रक्त समूह अलग है जिसको ए बी ओ नाम दिया गया है जो 55 प्रकारों में से एक है। ये ए बी ओ रक्त समूह क्या था मैं समझा देता हूँ। देखिए इसको समझने के लिए हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के, लाल रक्त कोशिकाओं के जिसको हम बोल देते हैं आरबीसी। ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर और ये बाहर क्या है? प्लाज्मा। आरबीसी किसके अंदर है? प्लाज्मा में। मैंने बताया ना रक्त के अंदर क्या है? रक्त के अंदर जो ब्लड सेल्स है और क्या है? प्लाज्मा। जो ये लाल रंग से दिखाया मैंने क्या दिखाया? आरबीसी। और जो ये दिखाया मैंने नीले रंग से क्या? प्लाज्मा। तो आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन होती है, ये एक प्रोटीन है आरबीसी की सतह पे पाई जाती है प्रोटीन, इसको प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटीजन। एंटीजन ये दो प्रकार के हैं, ए और बी। ए और बी दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। यानी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन यानी संरचना के हिसाब से प्रोटीन है और इन प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रतिजन या एंटीजन इंग्लिश में, और ये दो प्रकार के कैपिटल ए और कैपिटल बी। अतिरिक्त इसके जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन है ना इनको बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरक्षी। ये भी क्या है? प्रोटीन ही है, ठीक है। ये प्रतिरक्षी दो प्रकार के हैं ए और बी। यहां हमने इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाया है। स्मॉल ए ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी मानव रक्त कोशिकाओं में यानी आरबीसी और प्लाज्मा में कौन से एंटीजन और कौन से प्रतिरक्षी विद्यमान है इसी के आधार पर ए बी और रक्त समूह का गठन हुआ। अतिरिक्त इसकी एक आरबीसी के अंदर एक अलग प्रकार की मैं आपको समझा देता हूँ, एक और प्रोटीन होती है, ये है वो दूसरी प्रोटीन, इसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। यानी ये भी क्या है? प्रोटीन ही है। तीसरे प्रकार की ये इन तीन चीजों को समझते हुए हम रक्त समूह को बताएंगे जो ए बी रक्त समूह में चार किस प्रकार से हमने चार रक्त समूह बनाए। कितने बनाए? चार।
रक्त समूह यानी रक्त समूह, रक्त समूह या मुख्य रूप से हम कहते हैं एक ए रक्त समूह, ए रक्त समूह यानी ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए क्या है। फिर दूसरा हमारा बी रक्त समूह, बी रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी कैपिटल बी, ध्यान रखना हमने कैपिटल बी लिखा है। तीसरा आता है आपका ए बी, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी कैपिटल। और जो चौथा है वो हमारा क्या है ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह को हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप सॉरी ओ। देखिए ये किसके आधार पर बताया गया है, ये मैं बता रहा हूं आपको। अभी देखिए जो रक्त समूह है हमने बताया ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ, इसमें लिखते समय हमने ध्यान रखा कि सभी कैपिटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए बी और कैपिटल ओ। ये किस कारण से हुआ है, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाली जो सॉरी आरबीसी पर पाए जाने वाली जो प्रतिजन है और जो प्लाज्मा में पाए जाने वाली जो प्रतिरक्षियों के आधार पर है, यानी जिस रक्त समूह में जो नाम दिया गया है अगर इसमें इसको मैं पर हटा देता हूं, ये मान लीजिए ए है और ये बी, दोबारा देखते हैं, अगर रक्त समूह में ए प्रतिजन है, ए प्रतिजन है तो वो रक्त समूह कहलाएगा ए रक्त समूह। एक सिद्धांत है ए प्रतिजन के साथ ए प्रतिरक्षी हो नहीं सकती, और दूसरा आता है पी बी प्रतिजन, बी के साथ बी, यानी जब ए प्रतिजन है प्रतिजन को कौन प्रतिरक्षी नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट करता है, किलर है उसके लिए। तो जो ये देखिए एक सिद्धांत को समझिए फिर आप रक्त समूह बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर प्रतिजन ए है प्लाज्मा के ऊपर जो प्रतिजन ए है कैपिटल ए, तो उसमें प्रतिरक्षित बी ए नहीं हो सकता, प्रतिजन ए और प्रतिरक्षित बी ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, यानी क्योंकि देखो अगर रक्त है तो रक्त कोशिकाएं हैं और प्लाज्मा भी होगा, तो प्लाज्मा में क्या मिलेगा प्रतिरक्षी और आरबीसी के ऊपर क्या मिलेगा प्रतिजन। तो जिस रक्त के आरबीसी में ए नाम का प्रतिजन पाया जाता है रक्त के ऊपर लाल रक्त कोशिकाओं पे, उसके प्लाज्मा में क्या पाएगा बी नाम का प्रतिरक्षी मिलेगा, ए नाम का प्रतिरक्षी नहीं होगा। ठीक है, तरह से अगर आरबीसी के ऊपर जो पाए जाने वाले प्रतिजन है वह बी है तो उसके अंदर जो प्रतिरक्षी है बी वो नहीं होगा, तो प्लाज्मा में क्या होगा, ये कहता है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन और ये क्या है आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाली प्रोटीन, तो प्लाज्मा में क्या होगा ए। ठीक है, तो इसी के आधार को हम समझ लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ए मतलब प्लाज्मा पर सॉरी आरबीसी के ऊपर क्या है ए प्रतिजन है और प्लाज्मा में बी प्रतिरक्षी है तो वो जो रक्त समूह है वो क्या कहलाएगा ए रक्त समूह। तो प्रतिजन कौन से है, मुख्य बात ये है प्रतिजन कैपिटल ए, तो रक्त समूह क्या हो गया कैपिटल ए। फिर दूसरा है जिस रक्त समूह में बी प्रतिजन होता है यानी आरबीसी के ऊपर जो प्रतिरक्षी प्रतिजन है वह अगर प्रतिजन कौन सा है बी है और उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर जो ए प्रतिरक्षी है तो वह रक्त समूह कहलाएगा बी रक्त समूह। अगला आता है ए बी जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन होंगे और प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, क्योंकि देखिए ए प्रतिजन है तो ए प्रतिरक्षी हो नहीं सकता, ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को नष्ट कर देगा, और अगर बी प्रतिजन है तो बी प्रतिरक्षी नहीं हो सकता क्योंकि इस रक्त समूह में कोशिका जो आरबीसी है लाल रक्त कोशिकाएं उनके ऊपर ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, इन दोनों प्रतिजन के कारण इनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिरक्षी इनके प्लाज्मा में नहीं होते। तो इस आधार पे क्या है तीसरा रक्त समूह हो गया ए बी रक्त समूह, और सब है ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह जिसके अंदर ना तो ए होता और ना बी होता, ये नहीं होते रक्त प्रतिजन नहीं होते, उनके अंदर से प्रतिरक्षी होते हैं ए और बी, ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं, ये प्रतिरक्षी इसके अंदर होते हैं। देखिए मैं जो ओ रक्त समूह ना सामान्य ऐसा संभव हो सकता है कि शून्य को क्या लिखते हैं जीरो, जब कोई चीज नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं शून्य जीरो, ठीक है संभव है ये ओ ना हो करके ये जीरो, यानी जिसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं है, जैसे ए प्रतिजन है तो रक्त समूह का नाम हुआ ए,
बी प्रतिजन अंतरक समूह का नाम क्या बी, ए और बी दोनों प्रतिजन अंतरक समूह का नाम क्या है ए बी, कोई भी नहीं है यानी शून्य है, नन ऑफ दीज यानी जीरो, तो इसको हमने बाद में पढ़ना शुरू कर दिया ओ के रूप में, क्योंकि शून्य और ओ लगभग एक ही जैसे आप करती करते हैं, जो रूटीन में लिख देते हैं गोल, ये संभव है लेकिन ये प्रचलित हो चुका है, अडॉप्टेड हो चुका है, तो हम इसको और अक्ष समूह ही कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे कितने अक्ष समूह हो गए चार। अब हम बात करते हैं अगले, जो ये आरएस पत्र है, आरएस पत्र भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाने आरबीसी के प्रोटीन है और एक प्रोटीन है, ये भी दो प्रकार की होती है, सॉरी इसके आधार पर ये अगर रक्त में उपस्थित है, आरएस पत्र रक्त में है, रक्त में है तो उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको आरएच पॉजिटिव रक्त समूह, रक्त आरएच पॉजिटिव रक्त, और आरएच फैक्टर नहीं है, फैक्टर अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, उस ब्लड को आरएच नेगेटिव ब्लड, आरएच नेगेटिव ब्लड, नेगेटिव ब्लड, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो रक्त समूह जो मुख्यतः हमने चार प्रकार के बताए थे वो कितने हो गए आठ, यानी ए प्लस और ए माइनस, यानी ए प्लस का मतलब क्या है, इस रक्त समूह में आरएच फैक्टर भी है, तो आरएच प्लस हो गया तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, जिस ए ए रक्त समूह तो ए है यानी प्रतिजन तो ए है लेकिन उसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है तो उसको ए नेगेटिव हो दिया। तो इस प्रकार से जो इन दोनों को मान लो तो ए प्लस ए माइनस, और दूसरा क्या है बी प्लस और बी माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस, और ओ प्लस और ओ माइनस, यानी अगर हम देखें तो इस प्रकार से क्या है ए बी और रक्त समूह के अंदर कितने प्रकार के रक्त आगे आठ रक्त समूह आगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो इस प्रकार से इसके आधार पर हमारे जो आर ए बी और रक्त समूह होता है मानव के अंदर पाए जाने वाला उसमें आठ प्रकार के रक्त समूह होते हैं जो हमने से अध्ययन किया। देखिए हम अब आगे बात करते हैं कि कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण से या किसी रोग के कारण से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को रक्त प्रदान किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति का, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त दे सकता है, जैसे होते हैं ना रक्तदान जीवन दान, तो इसके एक सिद्धांत कार्य करता है, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को उसका रक्त चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसके पीछे एक सिद्धांत कार्य करता है। ए प्लस वाले से रक्त ले सकता है, ए माइनस वाले से ले सकता है, इसी तरह से बी जो जिसका उसका स्वयं का जो ग्रुप है उसका जो स्वयं का रक्त समूह है उसी रक्त समूह का अगर रक्त है तो वह ले सकता है, लेकिन इन आठों में जो चार रक्त समूह में ए बी की बात करते हैं, ए और बी रक्त समूह होता है, ए रक्त बी समूह में ना तो ए एंटीबॉडी होती है ना बी एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी होता है, इसीलिए जो ए बी रक्त समूह हो किसी बी रक्त समूह का रक्त ले सकता है, किसी भी रक्त समूह से यानी ए बी वाला ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं विषवग्राही, विषवग्राही यानी यूनिवर्सल डोनर, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी ये सभी से रक्त ले सकता है, ये ऐसा अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो वो किसी से भी रक्त ले सकता है। देखिए अगला प्रकार ओ, ओ रक्त समूह क्या है, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर क्या है सॉरी ए और बी एंटीजन होते हैं, ये किसी को भी रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है सभी को, यानी ये क्या है ए को भी दे सकता है बी को भी दे सकता है ए बी को ओ को तो दे सकता है समान होने के कारण से, इसीलिए इसको कहते हैं विषवदाता, विषव रक्त दाता ग्रुप, दाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, इस प्रकार से ये हमारे विशेष है जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में काफी पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर, ए भी ग्राही यानी ग्रहण करने वाला है और ओ जो है वो देने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं मानव हृदय के बारे में।